मेजर सुनील दत्त के घर के पास विस्फोट हुआ है। अराजक तत्वों ने कूड़े के ढेर में बम रखा। धमाके से आसपास की बिल्डिंग में हड़कंप मच गया है। बम विस्फोट से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 बार पहले भी बम मिल चुके हैं। बम फटने से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर क्षेत्र के सेनापति स्ट्रीट का यह मामला है जहां पर बम धमाका हुआ है। कूड़े के ढेर में अराजक तत्वों ने बम रख दिया था। बीजेपी विधायक सुनील दत्त के घर के पास बाहर ये विस्फोट हुआ है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी 2 से 3 बार बम पाए गए हैं, जिंदा बम। और ये देखिए जो बाहर विस्फोट हुआ उसका अंदर कितना तीव्र असर था वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो अंदर फर्नीचर वगैरह रखे थे वो पूरी तरह से कांच के फर्नीचर वो चकनाचूर हो गए हैं। जो शीशे थे वो टूट चुके हैं। यानी धमाका जोरदार था और ये धमाका बाहर हुआ है। कूड़े के ढेर में बम रखा था और वहां से हो सकता है किसी शख्स ने आग लगाई हो कूड़ा जलाने की नीयत से, और वहां पहले ही बम रखा था और धमाका बहुत भयानक हुआ। और इसके पहले भी 2 से 3 बार इस तरह के जिंदा बम पाए गए हैं। जितेंद्र फरुखाबाद से हमारे संवाददाता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, वो तो दिख रहा है कितनी तीव्रता से धमाका हुआ था, ये कई बार ऐसा हुआ है? आप तो राहुल जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि शहर क्षेत्र में जो है कि मतलब करीब जो रेलवे स्टेशन पर, उसके अलावा एक बार राजकीय इंटर कॉलेज जो पड़ता है उसके पास में, और अभी कुछ ही दिन पूर्व जो है एक जो है ग्रेनेड बम मिला था जो थाना मौजा क्षेत्र में मिला हुआ था। तो उनकी तीनों के अभी तक बम बराबर मिल रहे हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, ना ये अभी तक पता कर पाई है कि बम कहां से आ रहे हो, कौन इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है। उसी प्रकार एक यहाँ पर जो है जो विधायक के घर के पास में बिल्कुल जो है एक कूड़े के ढेर में किसी ने बम रखा हुआ, जो एक सुबह जो है आज वो करीब जोरदार धमाका हुआ। धमाके से जो है काफी बिल्डिंगे जो क्षतिग्रस्त हुई, उनके मकानों को काफी नुकसान हुआ है जी, जिससे लोग जो वहाँ के रहने वाले काफी दहशत में है। इनके घर के बाहर इसके पहले नहीं हुआ, अलग अलग इलाकों की आप बात कर रहे हैं जी जी। और ये कैसे आप कह सकते हैं ग्रेनेड है? नहीं नहीं, ये ग्रेनेड नहीं है। इससे पहले मौजवा थाना क्षेत्र में ग्रेनेड बम मिला हुआ था। अच्छा, तो ये जो है ये कैसा बम था इसकी कोई जानकारी नहीं, ये जोरदार धमाका हुआ है, ये कैसा बम था क्या है इसकी जो है टीम लगी हुई है जांच कर रही है जी। जब ये कूड़े के ढेर में था तो क्या किसी शख्स ने कूड़े में आग लगाने की कोशिश की तब ये धमाका हुआ? नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई कि कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगाने की कोशिश की या किसी प्रकार की मतलब कोई भी हो। वहां पर देखा गया कि मतलब जो कि एकदम जब जोरदार धमाका हुआ कूड़े के ढेर से, वहां पर लोग जो है एकदम सकते में आ गए। जब उनकी बिल्डिंगें हिलने लगी, काफी कुछ उनके शीशे टूट गए, किसी के गेट टूट गए, तो इस प्रकार जब सब लोगों ने निकल के देखा तो वहां पर जो काफी नुकसान हुआ है, और इस प्रकार कोई भी मतलब जो है कि बोला काफी लोग जो है कि काफी परेशान है। कई घर प्रभावित हुए, आपके कहने का मतलब ये है। और क्या विधायक का घर भी कूड़े के ढेर के पास ही है? विधायक का घर जो कुछ जो है कि ये 50 मीटर की दूरी पे मात्र है, जो यहाँ पर मतलब कूड़े का ढेर लगता है, जहाँ पर कूड़ा लोग जो है पूरे मोहल्ले के लोग कूड़ा डालते हैं, तो उसके लेकर वहीं पे कूड़े के ढेर पे रखा हुआ गया था, और जिसको लेकर वहाँ तेज धमाका हुआ है जी। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? मैं देख रहा हूँ कई पुलिस तैनात है वहां पर। इस बारे में अभी जो है कि पुलिस से जब बात की गई तो कह रहे कि अभी जांच टीम लगाई जा रही है और जो है डॉग स्क्वाड वगैरह बुलाया जा रहा है जिसको जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद जो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी जी। बिल्कुल, जितेंद्र ने कई अहम जानकारियां दी है। यानी कूड़े के ढेर में ये धमाका हुआ है और उस धमाके का असर आप देखिए, जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि 50 मीटर की दूरी पर विधायक का था घर था और आसपास के लोगों का जो घर था वो भी प्रभावित हुआ है। बीजेपी विधायक के घर के पास ये जोरदार धमाका हुआ है। मेजर सुनील दत्त का घर है, ये बीजेपी के विधायक हैं। अराजक तत्वों ने बम रखा और इसकी तीव्रता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 50 मीटर दूर जो घर थे वो भी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। 3 बार पहले भी बम मिल चुका है, निशाने पर बीजेपी के नेता है, ये हमारा सवाल है कि क्या निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं क्या? ये सेनापति स्ट्रीट का मामला है।